ये देखिए, एकदम क्रिस्पी गोल्डन क्रंची बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही कम सामान से बनी हुई जबरदस्त मार्केट स्टाइल स्नैक्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक और एकदम नई चटपटी करारी रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे पोहे से। पोहे की मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, आज एक और बिल्कुल नई रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान, बहुत बहुत टेस्टी, आप कभी भी बहुत ही कम सामग्री से इस जबरदस्त नाश्ते को बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चटपटी क्रिस्पी पोहा शॉर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक कप पोहा, जिसे आप चिरवा बोलते हैं, चूड़ा भी बोला जाता है, और इंग्लिश में फ्लैटन राइस बोलते हैं, जिसे हम पोहा बनाते हैं नमकीन वाला, बस वही वाला। तो हम सबसे पहले पोहे को भिगोएंगे। तो उसके लिए आप लीजिए एक छलनी, इसमें हम डाल देंगे एक कप पोहा। पोहे को अच्छी तरीके से धो करके मैंने इस तरह पानी में भिगो दिया। छलनी को ही छोड़ दीजिए और ज्यादा पानी लेकर के यूं रख दीजिए। बस तो इससे पानी ऊपर आ गया, पोहे आपके भीग जाएंगे और साथ ही आपको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सिर्फ 3 मिनट के करीब हम पोहे को भिगोएंगे और लगभग 3 मिनट बाद मैंने पानी सारा फेंक दिया। इसी तरह से छलनी पर पोहे को मैंने छोड़ दिया, जो भी पानी था वो सारा ड्रिप हो गया, निकल गया और हमारा पोहा इस तरह से खिला खिला हमें मिल गया। तो बस अब पोहा हो गया है तैयार। अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और बोल में सारे पोहे को डाल देंगे। अब हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइस, कोई भी ब्रेड ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ सैंडविच ब्रेड ली है। आप बस सिर्फ साइड को हटा दें, जैसे मैंने एजेस को कट कर दिया है। तो आप एक ब्रेड का पीस लें और ब्रेड को इस तरह पानी में बस डिप करें, हाथ से इस तरह से पानी को दबा कर निकाल दें और निचोड़ कर ब्रेड इस तरह आप मिक्स कर दें। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड डिप करेंगे, बहुत ही इससे क्रिस्प आएगा, अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी हमारे स्नैक को। अब इसको बनाते हैं सुपर टेस्टी। तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ 1 गाजर, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये सब चीजें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको सिर्फ प्याज डाल के भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी प्याज बारीक चॉप्ड, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सब्जियां आपके मन पर है, आप चाहें तो इसमें सिर्फ प्याज डाल के भी बना सकते हैं या फिर आप अपने मन की कोई भी वेजीज भी ऐड इसमें कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। देखिए कितनी प्यारी और कलरफुल लग रही है हमारी सब्जियां, है ना। अब फाइनली इसमें डालते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, अगर आप लाइक करते हैं लहसुन तो आप डालें, वरना इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक बहुत ही मैजिक इंग्रेडिएंट जो इसका स्वाद को दुगना कर देगा, और वो है दही। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही। इससे एक तो इसमें फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया ये बनेंगे, इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी, और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च। अब आप सोच रहे होंगे अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो क्या डालें, तो आप यहाँ डाल सकते हैं अरारोट पाउडर डाल लीजिए उसे 3 बड़े चम्मच, या फिर आप यहाँ पर राइस फ्लावर यानी चावल का आटा डाल लीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच, उससे भी अच्छी बाइंडिंग भी होगी और क्रिस्प बढ़ेगा। अब भाई मसाले तो रह ही गए, तो कुछ डाल लेते हैं मसाले। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही में इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, जो इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेशल टेस्टी बना देगा। तो अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो यहाँ आप नींबू का रस या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। ये एक ऐसा नाश्ता है जिसके अंदर आप वेरिएशन अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं, जो भी चीजें आप डालना चाहें डालें, जो नहीं डालना चाहते वो ना डालें। तो बस बहुत ही आसान, अचानक कोई आ जाए तब भी आप इसे फटाफट बना सकते हैं। अच्छी तरीके से हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे, जिससे बढ़िया से सब चीजें मिक्स हो जाए और इसका एक डो जैसा तैयार हो जाए। दही की मात्रा या मसालों की मात्रा आप जरूरत अनुसार इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, इस तरह से मैंने पूरे मिक्स को तैयार कर लिया है। यहाँ हमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि पोहा भी ब्रेड था और हमने जो ब्रेड थी वो भी भीगी हुई डाली थी, तो उसकी वजह से ये परफेक्ट बन जाता है। आपको थोड़ा भी गीलापन लगे तो आप कॉर्नफ्लावर या जो भी आप डाल रहे हैं अरारोट या चावल का आटा, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा लें। आप लीजिए एक नींबू जितनी इसमें से बॉल, और इसको हम देंगे एक स्क्वायर यानी क्यूब शेप, इस तरह से गोल करते हुए यहाँ से प्रेस करें और यहाँ से, बस हमारा एक स्क्वायर शेप तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो सभी पीसेस को हम बिल्कुल यही शेप देंगे, और क्योंकि ये पोहे का है तो बहुत ही जल्दी इसमें शेप भी आ जाती है। बस एक इस तरह से बॉल लीजिए, हाथ से इसको स्क्वायर शेप दीजिए, बहुत ही आसान और फटाफट बनने वाले। ये देखिए हमारे सारे ही पोहा शॉर्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। लग रहे हैं ना कितने प्यारे, और बनाना कितना आसान। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं, चाहे तो आप इसको अभी फ्राई कर लें या फिर आप इसे
ओवन में बेक भी कर सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट के लिए आप रख दें तो उससे ये आप बेक्ड भी खा सकते हैं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको चाहें तो डायरेक्टली इसी तरह फ्राई करें और इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं पूरे 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि हमने इसमें कोई आलू वगैरह नहीं डाला है। आप एक एयर टाइट कंटेनर में इस तरह बना करके रख लें फ्रीजर में, जब आपको मन करे तब आप निकालें और इसको डीप फ्राई कर लें। मैं एक और स्टेप करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको लुक दे रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल स्नैक्स का, तो वो बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच मैदा। आप मैदा की जगह चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसकी एक पतली स्लरी यानी एक पतला घोल तैयार करेंगे। तो 3 चम्मच मान के चलिए 1/4 कप के करीब मैदा है। तो ये लीजिए, मैंने इस तरह से एकदम पतली स्लरी तैयार कर ली है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा हमें पतली चाहिए होगा। थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 3 ब्रेड के इस तरह से ब्रेड क्रम। सिंपल बस ब्रेड लें और मिक्सी में चला दें, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है हमारे स्नैक्स में और वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं। तो बस अब हम लेंगे हमारा एक पोहा शॉर्ट्स और पोहा शॉर्ट को इस तरह करेंगे डिप और डिप करके ब्रेड क्रम पर कोट करेंगे। इससे हमारा जो पोहा शॉर्ट है जबरदस्त बनेगा। बस इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह आप सभी पीसेस को तैयार करते जाएं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये लीजिए, मैंने इस तरह से सारे ही पीसेस पर ब्रेड क्रम कोट करके इनको तैयार कर लिया है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह ब्रेड क्रम में कोट करके भी स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए। तो चलिए अब इसको करते हैं डीप फ्राई। ऑयल में से हीट आ रही है और ऑयल बिल्कुल बढ़िया गर्म है। तो चलिए अब एक एक करके हम अपने शॉर्ट्स को फ्राई करते हैं। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, अब ये परफेक्ट गर्म है। तो फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें और अच्छी तरीके से हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। एक बार में हम उतने ही पीस को फ्राई करेंगे जितने की हमारी कढ़ाई में स्पेस है। अब एक स्पून की मदद से हम धीरे धीरे इनको उलट पुलट कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल आप मीडियम टू हाई रखें, बहुत ज्यादा लो बिल्कुल ना रखें। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारे चटपटे हमारे शॉर्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए इसका क्रिस्प लग रहा है ना, एकदम क्रंची। सभी को बिल्कुल इसी तरह फ्राई करेंगे। और ये लीजिए हमारे गजब के जबरदस्त टेस्टी क्रिस्पी चटपटे पोहा शॉर्ट्स बिल्कुल तैयार। लग रहे हैं ना, आ गया ना मुंह में पानी। आप भी इसे जरूर बनाइए और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। मैं आपको फोक से नहीं दिखा रही हूँ, इन दोनों से ही दिखा रही हूँ इसका क्रंच है ना, एकदम क्रिस्पी, बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया है। आप इसको चाहे किसी भी सॉस चटनी डिप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालिए और ऐसे ही एंजॉय कीजिए। वाव, आ रहा है ना मुंह में पानी। मैं इसको एंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ। फटाफट जाइए किचन में बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये एकदम नई चटपटी क्रिस्पी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।